दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS Raider स्मार्ट एक्स कनेक्ट की मैं बात करता हूं, यानी कि टॉप वेरिएंट की। और वहीं पे साथ के साथ में जो मैं दूसरी बाइक की बात करने वाला हूं वो है होंडा SP 125 स्पोर्ट्स एडिशन। तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर आप 30,000 ऐड कर देना, बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस हो गया, आपका RTO हो गया और अदर टैक्सेस जो है वो सारे इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इन दोनों ही बाइकों के बारे में कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल को आपको परचेस करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं रेडर के अंदर, तो रेडर के अंदर आपको जो एक शोरूम प्राइस जो मिलेगा वो मिलेगा 1,03,000 रुपीज का एक शोरूम प्राइस आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पर मैं SP की बात करूँ तो SP जो टॉप वेरियंट आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 90,567 रुपीज की आपको ये मिल जाएगी। रेडर के इंजन की अगर मैं बात करूँ तो रेडर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड, ऐसा ही आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं इसकी SP के इंजन की बात करूँ तो SP के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 123.94 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड, ऐसा ही इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ऐसा ही इंजन आपको इसमें मिलने वाला है। रेडर का जो आपको इंजन मिलेगा वो आपको 4 वॉल का इंजन मिल जाएगा, लेकिन SP के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 2 वॉल का इंजन आपको इसको इसमें मिल जाएगा। रेडर की अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो 11.38 PS एट द रेट 7,500 RPM पर जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 11.2 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM पर। SP के अंदर जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 10.87 PS एट 7,500 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी वो मिलेगी 10.9 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM पर। तो अगर देखा जाए तो पावर के मामले में दोनों के अंदर ही आपको दोनों के अंदर आपको 11 जो न्यूटन मीटर पावर है वो आपको ज़्यादा मिलेगी और पावर भी ज़्यादा मिलेगी और टॉर्क भी आपको रेडर में ज़्यादा मिलने वाली है। दोनों ही बाइक BS6 कंप्लाइंट 2 के इंजन के साथ आती है। बोर जो मिलेगा रेडर में 53.5 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 55.5 mm का स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। SP के अंदर आपको 50 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 63.1 mm का स्ट्रोक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, चैन ड्राइव होने वाली है, और सॉरी रेडर के अंदर मैंने गलती से 4 वॉल बोल दिया था, रेडर के अंदर आपको 3 वॉल का इंजन आपको इसमें मिलेगा। यानी अगर इंजन के मुकाबले में बात करी जाए तो इंजन के मुकाबले में आपकी रेडर जो है वो विन करती है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 वॉल का इंजन मिल जाएगा और साथ के साथ में आपको पावर भी ज़्यादा मिल रही है और टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिल रही है। दोनों ही पेट्रोल इंजन मिलने वाला है आपको, BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको सिंगल डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलने वाला है। तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको जो SP के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रेडर में जो मिलने वाला है वो आपको सिंट्रोस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। यानी अगर आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रंट का ब्रेक भी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो ये जो है ये सेफ्टी फीचर्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा इसका ब्रेकिंग सिस्टम आपको रहने वाला है। यही पे अगर मैं बात करूँ तो रेडर की माइलेज की, तो रेडर के अंदर में जो लास्ट टाइम पे माइलेज निकाली थी तो इसके अंदर से हमें जो माइलेज मिली थी वो मिली थी 62.7 की हमें माइलेज मिली थी, लेकिन SP के अंदर जो हमें माइलेज मिली थी वो मिली थी 66 की माइलेज हमें मिली थी। अगर आपको एक माइलेज के अकॉर्डिंग एक मोटरसाइकिल चाहिए तो आप SP की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप SP की तरफ जा सकते हो अगर आपको माइलेज के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन अगर आपको पावर के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए तो आप रेडर की तरफ चले जाओ 125 cc के अंदर में। यही पे मैं टायर्स की बात करूँ तो 80/100 का फ्रंट टायर आपको रेडर में मिलेगा, रियल टायर जो मिलेगा 100/90 का रियल टायर आपको मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यही पे अगर मैं बात करूँ तो SP के अंदर आपको 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा, जो रियल टायर मिलेगा आपको 100/80 का रियल टायर आपको SP पे मिलने वाला है। SP का जो टायर है ना पीछे से, आपको अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखते हो, दोनों मोटरसाइकिल को अगर आप पीछे से देखोगे ना तो टायर्स के मुकाबले में थोड़ी सी वाइड जो है वो आपको जो है रेडर लगने वाली है, लेकिन SP के अंदर थोड़ा सा पतला सा टायर है, मतलब डिज़ाइन उसका इस तरीके से है ना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम के भी एक वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा ना मुझे ना रेडर SP के अंदर जो टायर्स का जो लोगों ने थोड़ा सेटअप बनाया ना थोड़ा लुक, तो वो थोड़ा सा ना मुझे टायर्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं करा। तो क्योंकि क्या है कि टायर थोड़ा पतला लगता ही लगता है उस बाइक में, तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने SP 125 ली है तो उसके अंदर जो रियल टायर है उसको चेंज करवाते हैं, बिकॉज लुक की वजह से ना लुक अच्छा सा नहीं लगता, बॉडी हैवी हो गई लेकिन टायर ऐसे बच्चे बच्चे जैसे पतले पतले से टायर लगते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ना फर्क आ जाता है, ठीक है। तो वो देखने में लगता है, ऐसा नहीं है कि टायर्स में कोई इशू है, टायर्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो देखने में ना थोड़ा सा लगता है, तो बंदे ना लोग चेंज वगैरह इसे करा लेते हैं। दोनों ही बाइक आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। यही पे अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो व्हील बेस जो आपको मिलेगा रेडर के अंदर 1,326 mm का व्हील बेस मिलेगा, और SP के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा 1,285 mm का व्हील बेस आपको इसके अंदर मिलेगा। यानी रेडर का जो व्हील बेस है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। लेंथ की अगर बात करूँ तो
2700 का आपको लेंथ मिलेगी रेडर के अंदर, और एसपी के अंदर आपको जो लेंथ मिलने वाली 2020 mm की लेंथ जो है वो आपको एसपी में मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूँ तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको रेडर में मिलने वाली है, और वहीं पे एसपी के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वो मिलेगी 160 mm की। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बात करें तो 20 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको रेडर में मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, तो आप आराम से अगर ऑफ रोड वगैरह भी करना चाहते हो ना इस बाइक से तो आप आराम से कर सकते हो। रेडर की मुझे एक खासियत और एक चीज़ अच्छी लगती है, चलो बताएंगे लास्ट में बताएंगे कि क्या कंक्लूजन में उसमें बताएंगे हम लोग बात करेंगे। तो हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 28 mm की जो हाइट है वो आपको रेडर में मिलने वाले। वहीं पे एसपी के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1135 mm की आपको जो है इसमें हाइट आपको मिलेगी। ब्रिथ की अगर बात करें तो 785 mm की ब्रिथ आपको रेडर में मिलेगी, और यही सेम ब्रिथ आपको 785 एसपी में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको रेडर में मिलेगा, और 11.2 लीटर का पेट्रोल टैंक हमें एसपी में मिलेगा। तो 2 लीटर आप लोग माइनस कर लेना बिकॉज ऑफ एफआई की वजह से आप माइनस कर लेना, तो इसमें आपको थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो कर्व वेट 123 kg का कर्व वेट आपको रेडर में मिलने वाला है, लेकिन एसपी के अंदर आपको 116 kg का कर्व वेट मिलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि माइलेज के मामले में एसपी आगे निकलेगी, तो यहाँ पे भाई कर्व वेट का बहुत मैटर करता है, तो इस वजह से एसपी आगे निकल जाती है माइलेज की वजह से। टेल लाइट की अगर मैं बात करूँ तो रेडर के अंदर आपको टेल लाइट फुली एलईडी मिलेगी, और एसपी के अंदर आपको हैलोजन बल्ब वाली टेल लाइट मिलेगी। तो रेडर के ना जो टेल लाइट का लुक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं पर अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो दोनों के अंदर ही आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल जो है ड्रम ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन रेडर की खास बात क्या है, इसके अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो डिस्क होगी ना वो हमारी गर्म नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या है ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। तो यहाँ पे ना ब्रेकिंग के मामले में अगर मैं एक आगे करूँगा तो मैं रेडर को आगे करूँगा। वहीं पर अगर मैं बात करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल के अगर मैं बात करूँ तो TVS में स्मार्ट एक्स कनेक्ट आपको मिल जाएगा, वॉइस असिस्ट मिल जाएगा, ETF आपको ETF इसके अंदर मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड आपको इसके अंदर सिस्टम मिल जाएगा। एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो रेडर के अंदर ना आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फीचर्स ज़्यादा मिलने वाले हैं, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आपको जैसे आपको कोई कमांड करना आपका फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपका जो ईयरपॉड्स है वो भी अगर आपके कनेक्ट है तो वो सारा काम क्या है ना आपके बटन से कर देगा। तो बटन से कॉल भी पिक कर लोगे, बटन से ही आप लोग मतलब कॉल को कट वगैरह भी कर लोगे। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे मेरे को ना रेडर अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फीचर्स जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इसके अंदर मिलेंगे। एसपी के अंदर आपको साइलेंट स्टार्ट मिलेगा, इसका साइलेंट स्टार्ट बहुत अच्छा है। तो साइलेंट स्टार्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्यारा मुझे साइलेंट स्टार्ट लगता है, बिल्कुल हल्का सा दबाव और एकदम साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट होती है, बड़ी प्यारी लगती है। और एसपी का तो पता ही है आप लोगों को भाई, इंजन होंडा का इंजन है तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है। तो ये चीज़ तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ईको इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ईको इंडिकेटर आपको रेडर में भी मिलेगा, ईको पावर मोड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको ईको का इंडिकेटर मिलेगा एसपी के अंदर। तो उसमें क्या है, अगर आपने थ्रॉटल एकदम से तेज़ दे तो वो ऑटोमेटिकली कट कर देगा, वो पावर मोड पर चली जाएगी। लेकिन एसपी के अंदर क्या, अगर हम ईको का बटन दबाएंगे ना तो आप जितने भी खींच लो, जितने भी खींचना चाहो खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हम लोग को आदत नहीं होती और हम लोगों ने ईको मोड पर डाल दी बाइक को और हम खींच दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी ईको मोड पे ही मोटरसाइकिल चलने वाली है, पावर पे ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, लेकिन एसपी जो है वो पावर ऑटोमेटिकली ले लेगी। वहीं पे अगर कॉल जैसे मैंने बताया था, रेडर के अंदर आपको कॉल अलर्ट मैसेज मिल जाएंगे, आपको USB चार्जिंग मिल जाएगी, और म्यूजिक कंट्रोल भी आपको रेडर के अंदर मिल जाएगा, बटन के अकॉर्डिंग ही आप लोग म्यूजिक वगैरह को नेक्स्ट कर सकते हो। हाँ, यह है कि बैक वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट वगैरह आप लोग इसमें कर सकते हो। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर आपको इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। रेडर जो है ना, रेडर आपको ना एक स्पोर्ट्स बाइक लगेगी, ठीक है। लुक वाइज वगैरह आप वीडियो में देख रहे होंगे कि लुक वगैरह जो है ना इसका रेडर का स्पोर्ट्स बाइक जैसा है। वहीं पर अगर मैं एसपी की बात करूँ, कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, बिल्कुल रिलैक्स होकर कंफर्टेबल होकर आप लोग लॉन्ग टूर वगैरह भी करना चाहते हो तो वहाँ भी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इस मोटरसाइकिल से कर सकते हो, तो वहाँ भी आपकी कमर वगैरह में कोई दर्द नहीं होने वाला। लेकिन रेडर में क्या थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा सा अगर मैं लॉन्ग टूर कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा फील आएगा। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना, जो रेडर है ना, ये मुझे ना हल्के ऐसी लगती है एक कैफे रेसर की तरह, हल्का सा हैंडल, हल्की सी बाइक, बिल्कुल ना कैफे रेसर वाली। ये मेरा ओपिनियन है कि कैफे रेसर की तरह मुझे लगती है, जिस तरीके से बैठ के बॉडी पोस्चर हमारा बनता है ना, तो वो कैफे रेसर वाला फील आता है। वहीं पर अगर बात करी जाए तो रेडर के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगी, किक नहीं मिलेगी, लेकिन एसपी के अंदर आपको किक मिलेगी, किक और सेल्फ दोनों मिलेगी। रेडर के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, और वहीं पे हम एसपी के अंदर आपको सिंगल सीट मिलने वाली है। 5 inch की TFT डिस्प्ले आपको जो है वो आपको रेडर में मिलने वाली है, और डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों में मिलेगा, लेकिन एसपी के अंदर सबसे पहले से मीटर कंसोल आ रहा है। डिजिटल मीटर कंसोल ये लोग तब भेज दिए थे जब और बाइक जो थी ना
क्योंकि SP बहुत पुराना ब्रांड है, मतलब ब्रांड तो होंडा का है लेकिन SP जो है उसका बहुत पुराना मॉडल है, तो उसके अंदर सबसे पहले आया था, उसके बाद ग्लैमर हो गई या अदर बाइक से उसमें आया था, लेकिन इसके अंदर पहले आया था। तो और बाकी मोबाइल ऐप आपको जो है रेडर के अंदर मिल जाएगा, वहीं पे आपको डिजिटल मीटर कंसोल आपको फुल्ली मिल जाएगी, क्लॉक दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ताकि आपकी FI से ख़राब ना हो, ठीक है। बाकी रेडर के अंदर आपको एयर प्लस ऑयल कूल मिलेगा, यहाँ पे SP के अंदर आपको सिर्फ एयर कूल्ड ही आपको मिलेगा। नेविगेशन जो है वो आपको रेडर के अंदर मिल जाएगा, सर्विस ड्यू की वार्निंग भी आपको जो रेडर है वो आपको देखो, DRL भी आपको दोनों मोटरसाइकिल मिल जाएगी, लेकिन रेडर का DRL मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर अगर देखा जाए तो 13,000 का फ़र्क है एक शोरूम प्राइस में, तो 13,000 ज़्यादा देने में ना हम लोगों के लिए, देखो 13,000 हम ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन रेडर में हमें फीचर्स ज़्यादा मिल रहा है। फीचर्स ज़्यादा के लिए देखो सबसे पहले चीज़ पावर हमें ज़्यादा मिल रही है, टॉर्क हमें ज़्यादा मिल रहा है, दूसरी चीज़ है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाएगी, कॉल्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन ये दे देगी आपको, लास्ट पार्किंग भी आपको आपके जो ऐप है उसमें बता देगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें रेडर में मिलेगी। और साथ के साथ में जो है ना रेडर ना ज़्यादातर जो ये जो एक मोटरसाइकिल है रेडर, ये ज़्यादातर हम जैसे बंदों को पसंद आने वाली है, ठीक है। जो 18 से लेके 30 साल तक के बंदे हैं, मतलब ज़्यादा ही भी एज के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम भी एज के, तो कम एज का तो खैर अलाउड ही नहीं चलाना, 18 से अबव ही चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या ना उन लोगों को ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगने वाली। उन लोगों को ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें पावर की भी कमी ना हो, टॉर्क की भी कमी ना, और भाई लुक्स में बहुत तगड़ी चाहिए, और हमें चाहिए माइलेज। तो ये जो मोटरसाइकिल है ना, जो रेडर है, ये आपको कॉलेज गोइंग मोटरसाइकिल मैं आपको कह सकता हूँ, कॉलेज में वगैरह में जाने जिस बंदे को चाहिए या मेरे को ऐसी एक मोटरसाइकिल मिल जाए जिसमें माइलेज मिल जाए, पावर मिल जाए, टॉर्क वगैरह सब कुछ मिल जाए, तो वहाँ पे हमारी रेडर खड़ी होती है। लेकिन अगर मैं SP की बात करूँ, SP एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको ऐसा चाहिए कि यार मुझे, अगर देखो रेडर और SP के मुकाबले में अगर, तो मैं तो रेडर को विन करता हूँ, और मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं रेडर की तरफ ही जाऊँगा। लेकिन SP के अंदर क्या ना, SP एक है कम्फर्टेबल मोटरसाइकिल, बहुत कम्फर्टेबल मोटरसाइकिल। अगर आप एक लॉन्ग टूर करने वाले बंदे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को SP बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। रेडर के अंदर थोड़ा सा झुक के चलानी पड़ेगी, थोड़ा सा वहाँ दिक्कत करेगी, लेकिन SP में क्या है ना, आप रिलैक्स होकर लॉन्ग टूर वगैरह करना चाहते हो, दूर दूर तक आप आराम से, माइलेज आपको ज़्यादा निकाल के दे देगी SP जो है, SP आपको माइलेज निकाल के दे देगी अच्छी खासी, क्योंकि पावर कम है, थोड़ा टॉर्क भी कम है, तो माइलेज भी आपको निकाल के दे देगी। तो यहाँ पे और कम वेट भी कम है तो माइलेज आपको निकाल के दे देगी। दूसरा क्या है कि लुक्स, तो देखो लुक्स के मामले में तो मैं रेडर को ही विन करता हूँ। बाकी टोटल जो आप लोगों को पता चल गया कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों को परचेज करनी चाहिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दो चैनल RK ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।